हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 15 कॉलेज इन रायबरेली। अगर आप रायबरेली में अपने एडमिशन के लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉलेज रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और कॉलेज टाइप क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक कॉलेज है, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है और कोर्स फीस क्या है। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पे है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी RGIPT रायबरेली। यह कॉलेज 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे MBA, MTech, BTech, PhD, BTech प्लस MTech जैसे कोर्सेज ऑफर होते हैं। यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 13.50 लाख पर एनम है और एवरेज पैकेज 9.40 लाख पर एनम है। इस कॉलेज की एवरेज फीस 3 लाख पर ईयर है। इस टॉप 15 लिस्ट में नंबर सेकंड पे है फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक पब्लिक कॉलेज है। यह कॉलेज AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे BTech लेटरल, MCA, MCA लेटरल के अलावा और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज की एवरेज फीस 70,000 रुपीज पर ईयर है। इसमें नंबर थर्ड पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT रायबरेली। यह कॉलेज 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक पब्लिक कॉलेज। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो बैचलर इन डिजाइनिंग, मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज की एवरेज फीस 2.50 लाख पर ईयर है। इस लिस्ट पे नंबर फोर पे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। यह कॉलेज 1985 पे एस्टेब्लिश हुआ था और ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और साथ ही में ये एक प्राइवेट ऑटोनॉमस कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे BSc इन एविएशन, इसके अलावा और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस लिस्ट पे नंबर फाइव पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यह कॉलेज 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक पब्लिक ऑटोनॉमस कॉलेज। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक साइंस फार्मास्यूटिकल कॉलेज है। इसमें नंबर सिक्स पे है आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च। यह कॉलेज 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड है। यह एक प्राइवेट कॉलेज। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BEd, डिप्लोमा, BPharma, BTC, BPharma लेटरल जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज की एवरेज फीस 60,000 रुपीज पर ईयर है। इसमें नंबर सेवन पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यह कॉलेज 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे आपको MBBS इन मेडिकल जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस टॉप 15 लिस्ट पे नंबर एट पे है फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक। यह कॉलेज 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक में कई स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की एवरेज फीस 20,000 रुपीज पर ईयर है। इसमें नंबर नाइन पे है कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। यह कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BA, BSc, MA, PG डिप्लोमा जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस लिस्ट पे नंबर 10 पे है दयानंद बसरावा PG कॉलेज। यह कॉलेज 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है। बात करें कॉलेज टाइप की तो यह एक प्राइवेट कॉलेज है। इस कॉलेज में कोर्सेज की बात करें तो BA, MA, MSc, BEd, BCom, MCom, MEd जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज की एवरेज फीस 20,000 रुपीज पर ईयर है। इस टॉप 15 लिस्ट पे नंबर 11 पे है बैसवारा PG कॉलेज। यह कॉलेज 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और यह एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BA, MA, BSc जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इसमें नंबर 12 पे है पंडित राजनारायण मिश्रा डिग्री कॉलेज। यह कॉलेज 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और यह एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BA, BEd, BSc, MA जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इस कॉलेज में। इसमें नंबर 13 पे है पंडित रामेश्वर वाजपेयी स्मृति महाविद्यालय। यह कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और यह एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो BA, BSc, BCom जैसे और भी कई कोर्सेज इस कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। इस टॉप 15 लिस्ट पे नंबर 14 पे है सर्वोदय विद्यापीठ PG कॉलेज। यह कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। बात करें यहाँ पे कोर्सेज की तो यहाँ पे MA, BA, PhD जैसे और भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। बेसिकली ये एक आर्ट कॉलेज है। इस लिस्ट में नंबर 15 पे है श्री रामेश्वर त्रिपाठी कॉलेज। यह कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अफिलिएटेड है और ये एक प्राइवेट कॉलेज। बात करें कॉलेज टाइप की तो ये बेसिकली आर्ट्स कॉलेज है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के एजुकेशनल और टॉप कॉलेज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।